विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पर्यावरण का बचाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, अत्यावश्यक है। पर्यावरण रहेगा तो हम रहेंगे, इसलिए हमें आज के दिन पूरा प्रयास करना है कि कम से कम एक पेड़ हम जरूर लगाएं। बड़ा पेड़ लगाएं या छोटा पेड़ लगाएं, नो प्रॉब्लम, लेकिन लगाएं। यदि शहर में रहते हैं, आपके पास कहीं जगह नहीं है, तो एक छोटा सा पौधा खरीद के अपने घर में रखें, ठीक है ना, जिससे आपको संतुष्टि मिलेगी और एक पर्यावरण में आप अपनी भूमिका भी निभा पाएंगे बचाने के लिए। सो एक पेड़ हमारे जीवन में क्या क्या, एक पेड़ कहते हैं, एक पेड़ लगाने से क्या होगा, लेकिन कायदा तो ये कहता है कि जितने वर्ष के आप हो गए हैं, यदि उतने पेड़ लगाएं तो ज्यादा अच्छा है, यदि उतने ना लगा पाए तो एक वर्ष में एक पेड़ जरूर लगाएं। आप जाते जाते इस दुनिया को हरा भरा कर जाएंगे, भावी पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा छोड़ जाएंगे। ये एक पेड़ का महत्व क्या है पता है आपको? जीवन में कहने को एक पेड़ है, लेकिन करने को बहुत बड़ा है। एक पेड़ हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आप ताज्जुब कर जाएंगे, मुझे लग रहा है आज आप डायरी पेन लेके नहीं बैठे होंगे, लेकिन आप उठना भी मत, ठीक है ना, उठना मत, लेकिन कितने लोग बैठे हैं लेके, अरे ये कुछ 40 लोग हैं मुझे लग रहा है। अरे अरे वेरी गुड, ये तो बहुत लोग निकल आए, मुझे लग रहा था कि कहीं आज नहीं बैठे होंगे, ट्रेनिंग थोड़ी है कोई, लेकिन चलिए, तो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच आपके लिए कि आप इतने दिल से इसको समझते हैं, सुनते हैं और अप्लाई करते हैं। सो एक पेड़ हमारे जीवन में क्या क्या करता है, 50 साल समझ लीजिए, 50 साल में एक पेड़ हमारे इतने काम आता है, कितना आता है, 17, अनीता जी कुछ कहेंगी, 17.5 यानी 17.5 लाख रुपए की ऑक्सीजन का उत्पादन करता है 50 साल में। यदि वो पेड़ 50 साल रह जाता है, बड़े पेड़ हैं कुछ, तो वो 17.5 लाख रुपए की ऑक्सीजन का उत्पादन कर देता है। इतना ही नहीं, वह हमारे जीवन में 41 लाख रुपए की पानी की रिसाइकलिंग करता है। पानी को रिसाइकिल किया जाता है, यमुना का इधर का पानी तो बिना वैसे पी नहीं सकते, तो उसका रिसाइकलिंग किया जाता है पानी को प्यूरिफाई करने के लिए। तो कितना करता है वो, 41 लाख रुपए के पानी की रिसाइकलिंग करने के काम आता है एक पौधा। इतना ही नहीं, 300 पेड़ मिलकर खत्म कर सकते हैं एक व्यक्ति के जीवन भर में फैलाए गए सारे प्रदूषण को। किसने, श्वास के माध्यम से फेंका है, लैट्रिन के माध्यम से प्रदूषण किया है, पेशाब के माध्यम से प्रदूषण किया है, इस सभी तरह के प्रदूषण को 300 पेड़ दूर कर सकते हैं। तो अब देखिए हमें कितने पेड़ों की जरूरत है, हम आदमी ज्यादा ही पेड़ कम है, अब ऐसी स्थिति हो गई है, पहले नहीं थी। और क्या कर सकते हैं, 35 लाख रुपए के वायु प्रदूषण का नियंत्रण कर सकते हैं, यानी एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए तो 35 लाख रुपए लग सकते हैं, उतना एक पेड़ कर सकता है, कितनी बड़ी बात है। इतना ही नहीं, 3% के लगभग टेम्परेचर को, 3% के लगभग टेम्परेचर को एक पेड़ कम कर सकता है, जो हमें ग्लोबल वार्मिंग हो रही है हमारी,
ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, तो उसमें जो गर्मी है, जो टेम्परेचर जो बढ़ता चला जा रहा है, एक पौधा 3% को कम कर सकता है अपने जीवन में। इतना ही नहीं, 3 किलो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है वो, कितनी बड़ी बात है। इतना ही नहीं, 18 लाख रुपए के जमीन के कटाव पर जो खर्च आता है वो एक पौधा रोक देता है। तो फिर क्या करें? तो 7 पौधे, 7 औषधीय पौधे लगाएं। यदि वैसे ना लगा पाए तो औषधीय पौधे बहुत हैं, आप जानते हैं, एलोवेरा है, नीम है, गिलोय है, ठीक है, पीपल है, तुलसी है, और 7 वृक्ष अपने जीवन में लगा करके आप कर्ज चुकाएं इस धरा का जिसने आपको जीवन दिया है। सो आज के इस पर्यावरण दिवस पर आप ये संकल्पित हो और इसको पूरी तरह से निभाने का, करने का आज करें, और एक फोटो खींचे, ठीक है, और अपने स्टेटस पर लगाएं, फेसबुक पर लगाएं, पर्यावरण को बचा करके दूसरों को, इस पुनीत कार्य को करके दूसरों को प्रोत्साहित करें। बहुत अच्छा लग रहा है बसंत लाल जी और ओपी सर और सत्यदेव जी, देखो कितने पेड़ों में बैठे हुए हैं, कितना अच्छा लग रहा है पीछे। सो धन्यवाद। अब हम